और वो प्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा त्रिवार नमन है, वंदन है। उसके पश्चात उनके द्वारा जो उद्घोषित धम्म है, उस धम्म को मेरा त्रिवार नमन है, वंदन है। उस धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले आदर्श संघ को मेरा त्रिवार नमन है, वंदन है। इसके अलावा विश्व के अंदर में उन सभी महान विभूतियों को मेरा नमन है, वंदन है, जिन्होंने समाज के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य किया है। तो आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर, ह्यूमन यानी मनुष्य के विकास पर और उनके डेवलपमेंट के संबंध में आज ये ऑडियो बनाने जा रहे हैं, और इसको आप ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे। बेसिकली आज का मेरा ऑडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो है कि एक इंसान की मानसिक जो भूमिका है, उसकी जो कल्पना है, उसको रिस्ट्रक्चर करना, उसको सही करना। और ये सही करने का काम मेरा नहीं है, वो आपका ही है। आप अपने मालिक हैं, आप अपने लिए जो चाहते हैं वो आप करेंगे। मैं केवल आपको सुझाव दे सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, और उसमें ऐसा आपको लगता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, उसका प्रैक्टिकली अगर आप करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए चीज़ें काम करेगी, तो आप उस बातों को अपना कर अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, अपनी इस जीवन यात्रा को आनंदमय बना सकते हैं, प्रसन्नमय बना सकते हैं, सुखीमय बना सकते हैं और संपन्नता वाला एक जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहले जीवन के अंदर में हमारा जो दृष्टिकोण है ये सकारात्मक होना जरूरी है। और सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि कोई भी समस्या का समाधान है, ये आपके दिमाग के अंदर बैठने की जरूरत है। दूसरी चीज कि जितनी ज्यादा कठिनाई आपके जीवन में है, उस कठिनाई के अंदर में ही अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है, ये बात आपको अपने अंदर जानना होगा, समझना होगा। दुनिया के अंदर में जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग बहुत बड़े पैमाने पे जिन्होंने अपनी प्रोग्रेस की है, वो जीवन की कठिनाइयों को जूझते हुए आगे बढ़े हैं। और उन कठिनाइयों का निराकरण करते हुए उन्होंने वो एक स्तर पाया है, आनंद का स्तर पाया है, वो खुशी का लेवल पाया है। तो सबसे बड़ी चीज जो है जीवन में, हम चाहते क्या है, हमारा जीवन जो है वो एक गति के जैसा चलता रहता है। और इस जीवन के अंदर में हमारी जो नाव है उसको खींचने का जो तरीका है, उसको हमको जानने की ज़रूरत है। नाव के रूप में हमारे पास हमारा शरीर है, और इस शरीर को इस भवसागर के अंदर तैरा कर हमको शरीर के साथ पार जाना है। जब हम पार जाएंगे तो शरीर एक काम करेगा नाविक के रूप में, और नाविक के रूप में जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, तो हम अहोभाव होंगे अपने जीवन के प्रति कि हमने ये जीवन पाया था, पाया है, और इसका हमने आनंद लिया है, भरपूर आनंद लिया, और सफलता के साथ हमने अपने मंजिल को अचीव किया है। और उसके बाद जो स्थिति बनेगी वो स्थिति ऐसी रहेगी कि हम जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे,
जब पूर्ण रूप से सफलता के लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम अपने जीवन के कठिनाई के जो बंधन है उसको तोड़ देंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और एक समय बाद शारीरिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाएंगे। जब शरीर छोड़ने की बारी आएगी तो हम हंसते हंसते शरीर को भी छोड़ देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये सफलता की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंदर में हमको अपना मेंटल लेवल तैयार करना होगा, समझना होगा। केवल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, शासकीय सेवा में आने के बाद और पेंशन की आशा लगाकर अपने जीवन को लिमिटेड करने से काम नहीं चलेगा। वो तो भरण पोषण उधर निर्वाह के लिए किया गया कार्य है कि आपने शारीरिक भोजन की तैयारी कर ली, आपने कुछ अच्छा सेवा का कार्य कर लिया, लेकिन आपका डेस्टिनेशन केवल इतना ही नहीं है, आपका उससे बाद में शुरू होता है। और इसलिए हम जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना जरूरी है, तो आपका अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है, उन्होंने ला आप एसोसिएशन का सहारा लिया है। ला आप एसोसिएशन का सहारा लेने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो उपयोग किया है वो किया है बुक्स का, क्योंकि लाभ एसोसिएशन जो है वो संगत के नियम से आता है। तथागत सम्यक संबुद्ध के समय में लाभ एसोसिएशन करने का एक ही तरीका था, वो था प्रवचन। पढ़ने की और किताबों की कला तो उस समय नहीं थी, इसलिए वो मनन चिंतन का दूसरा तरीका था। वो सुनते थे प्रवचन, उस पर मनन चिंतन करते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन जब लिपिबद्ध चीज़ें होना शुरू हुई और ये प्रिंटिंग का जो काम हुआ, तो इस प्रिंटिंग के कार्य ने बड़ी महान उपलब्धता की, क्योंकि यहाँ पर जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, उसको मनन चिंतन करते हैं, तो आप पूरी पिक्चर को क्रिएट करते हैं। तो साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, और साहित्य का महत्व मतलब ऐसा है कि आप जीवन के अंदर में दो चीज़ें कर सकते हैं। उस साहित्य के माध्यम से अपने आप को आप क्रिएट भी कर सकते हैं और उस साहित्य के द्वारा आप अपने आप को डाउन भी कर सकते हैं। डाउन करने का मतलब है कि अगर आपने गलत चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर दिया, गलत बातों को अपनाना शुरू कर दिया, तो वही शब्द ही किताब बनती है और किताब ही आपके अंदर जाती है, वो पिक्चराइज करती है। तो जो शास्त्र है, जो लिखे गए शास्त्र है संगत, तो सुसंगति एक नियम है, सुसंगति। तो अच्छी किताबों की संगत करना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो आपने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया होगा, आपने अपना मस्तिष्क तैयार कर लिया कि आपको पहुंचना क्या है, आपको करना क्या है जीवन में, आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया होगा। तो उस लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपने जो अपना महत्वपूर्ण काम किया होगा, उस भूमिका को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, उन साहित्य का सहारा लेना होगा। क्योंकि एक सक्सेस आदमी आपके पास 24 घंटे उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन उनकी लिखी बुक, उनके बताए हुए ऑडियो टेप, वीडियो टेप, ये आपके लिए उपलब्ध है। उससे आप संगति करके वो चीज़ में आप माहिर हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ कि एलान मस्क को अगर अपना स्पेस कंपनी बनानी थी और स्पेस को सक्सेस करना था, तो वो यूरोप के जो साइंटिस्ट थे उनके पास गए, तो उन्होंने उनको ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तो एलान ने क्या किया, एलान मस्क ने वो जो स्पेस पर जो साहित्य लिखा गया था विशेषज्ञ लोगों के द्वारा, वो साहित्य का उसने गहन स्टडी किया, उन्होंने बहुत गहन स्टडी किया और उन्होंने सक्सेस पाई, वो सीखा उन्होंने। क्या उनको वो कॉलेज के रूप में सिखाया गया था? नहीं, उन्होंने उससे किताबों से सीखा। इवन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो रीडिंग हैबिट बहुत बड़े पैमाने पर है उनकी रीडिंग हैबिट। चाहे बिल गेट हो, उनकी अलग से लाइब्रेरी है, एलन मस्क की लाइब्रेरी है,
वॉरेन बफेट की लाइब्रेरी है और जितने भी सक्सेस लोग हैं बड़े बड़े उद्योगपति हैं। और इवन अगर हिस्ट्री के अंदर अगर जाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास में राजगृह के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और उनके साथ कुछ 10-20 किताबें चलती ही रहती थी, तो वो लाइब्रेरी के शौकीन थे और इवन इंग्लैंड के अंदर में गए तब भी। लेकिन अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे एक परिचित है और उन परिचित को मैंने एक किताब देने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि मैं अभी विपश्यना से आया और उसका आनंद महसूस कर रहा हूँ, उस आनंद को मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी कोई किताब नहीं पढ़ूंगा। तो अच्छा है, लेकिन विपश्यना में जाकर अगर आपने स्टडी करना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने अपना विकास रोक दिया। जिन्होंने भी आपको मार्गदर्शन किया कि किताब नहीं पढ़ना है तो वो थोड़ा सा ज्ञान के मामले में वो नहीं समझ पाए, ला ऑफ एसोसिएशन को नहीं समझ पाए, क्योंकि ला ऑफ एसोसिएशन संगत का जो ला है वो तथागत कहते हैं कि सुसंगति से व्यक्ति अष्टांग मार्ग पर प्रोग्रेस करता है। अष्टांग मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग, दुख मुक्ति हो के व्यक्ति निर्वाण के क्षेत्र में आता है, मतलब पूर्ण दुख से मुक्त हो जाता है। तो अगर आपके जीवन का उद्देश्य सुसंगति है तो सुसंगति के लिए आपके लिए बुक्स बहुत जरूरी है, बुक्स बहुत जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। ध्यान एक पार्ट है और ध्यान एक पार्ट है अपने जागृति के लिए, अपने सजगता के लिए, होश के लिए। विपश्यना का मतलब होता है कि अपने बॉडी के पूरे तंत्र को जानना, किस प्रकार से कौन सा तंत्र वर्क करता है इसको समझना, इसका कार्य विपश्यना के लिए है। विपश्यना जागृति का एक माध्यम है। चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, बोलते वक्त, सोचते वक्त, हर समय आपको जागृति की अवस्था में रहना है, उसके लिए आपके लिए विपश्यना है। लेकिन अगर आपके दिमाग को प्रोग्रेसिव करना है, शांत करना है, तो उसके लिए शमत है। शमत यानी एक प्रोग्रामिंग है, ब्रेन को कौन से समय में क्या प्रोग्रामिंग देना है, इसका तरीका भी मनो चिकित्सक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में ही नहीं, एक ज्ञानी के रूप में शोध करके तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है कि निगेटिव को पॉजिटिव से ही हटाया जा सकता है, गलत विचार को सही विचार देकर रिप्लेस किया जा सकता है और सच्चाई को, असत्य को जानकर सच्चाई का की प्रस्तावना की जा सकती है। तो हम देखते हैं कि आज हमारा जो जीवन है वो किस लेवल पे है। आज हम मानसिक रूप से एक द्वंद में फंसे हुए समाज के साथ में हैं। हम लोग को पता है कि हम जब बचपन में थे और गांव में रहते थे तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन आता था और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन खुशी का दिन नहीं होता था, उस वक्त घबराहट का दिन होता था, क्योंकि उस दिन ऐसा प्रचार प्रसार गांव में किया जाता था कि ये भूत प्रेत वाला दिन है, घरों को बांधना है, इसलिए वो लोग रेती फेंकते थे रात में आके। लेकिन जब हमने साहित्य की स्टडी की तो पता चला कि पीपल वृक्ष के नीचे तथागत सम्यक संबुद्ध को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है पूर्णिमा के दिन, जिस दिन वो दैत्यों का दिन बता रहे थे, और जिस पेड़ को, जिस पीपल को भूत प्रेत का निवास बताते थे, तो उस पेड़ के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो अज्ञानी लोग थे उन्होंने मानसिक रूप से एक समूह को गुलाम बनाने के लिए उनकी विचारधारा को उलट फेर कर दिया था और ये जान न पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए उनको बता दिया था तुम्हें पढ़ना वढ़ना तो नहीं है, पढ़ने का काम हमारा है, हम तो जन्म से ही श्रेष्ठ है। तो जो लोग जन्म से ही श्रेष्ठ अपने आप को बता रहे थे, ये एक बहुत बड़ी अपराध की भावना से ग्रसित लोग थे, वो बड़ा महा अपराध कर रहे थे, क्योंकि जो समाज एक विद्वत्ता हासिल किए हुए था उसको वो अविद्वान बना रहे थे, उसको मूर्ख बना रहे थे, उसको मूढ़ बना रहे थे। और इस तरह इस भारत के अंदर में भूखमरी, लाचारी, बेगारी और एक अंधविश्वास का माहौल फैलाने का काम एक समूह ने किया। उस समूह ने बोला ही नहीं, उसके ऊपर शास्त्र लिखे और वो शास्त्र क्या है, काव्यात्मक शास्त्र है। उस काव्यात्मक शास्त्र को, कविता वाले शास्त्र को उनको उन्होंने ऐतिहासिक बताना शुरू किया और ऐतिहासिक बताने के बाद में उसको वैज्ञानिक भी बताना शुरू किया।
तो लोगों ने जब सवाल किया तो बोले तर्क पूछना धर्म के विरोध में है, तो उनको नास्तिक बोलना शुरू किया। जो वैज्ञानिक लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उनको नास्तिक बोलना शुरू किया। इस प्रकार इस पूरे भारत के अंदर में एक जो वातावरण फैला वो एक अवैज्ञानिक वातावरण फैला, और इसलिए इस देश में शोध करने की जो प्रवृत्ति थी वो कम हो गई। लोगों की शोध करने की प्रवृत्ति कम हो गई, और आज हम देखते हैं कि जापान जैसा एक छोटा सा देश है, वो उसके पेटेंट बहुत है, उसके पेटेंट बहुत है, वो नए नए चीज़ों का इजाद करता है। चाइना कई गुना हमसे आगे चला गया, अमेरिका आगे चला गया, हम पीछे क्यों है? क्योंकि हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने नहीं दिया। विकास जहाँ हो रहा था उस दृष्टिकोण को ही गलत साबित किया, हमने तथागत गौतम बुद्ध को गलत बताने की कोशिश की, और उनके शोधों को जब हम पचा नहीं पाए तो उसको भी अवतार बना दिया कि ये भी अवतार है, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके शोध किए। अगर मेहनत करने वाली भूमिका को हमने समाज के अंदर में नहीं डाला तो समाज का बच्चा कैसे सीखेगा कि उसको मेहनत करना है? अगर करुणा की भावना हमने समाज के अंदर नहीं डाली तो उसको कैसे पता चलेगा कि पशु पक्षियों का और मूकबधिर जानवरों का संरक्षण करना है? हमने नेचुरल सौंदर्य वातावरण का नहीं बताया कि ऑक्सीजन के लिए पीपल का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे वृक्ष इंपॉर्टेंट है, और वृक्षों की हमको देखभाल करना चाहिए, तो हमारा वृक्षों के प्रति संरक्षण कैसे बढ़ेगा? और जब हमने शुद्ध पानी शुद्ध वातावरण के बारे में लोगों को जागृत नहीं किया तो लोग क्या समझेंगे कि शुद्ध वातावरण क्या है? शुद्ध क्या? इसलिए लोग पेड़ काट रहे हैं, उनको हीरे दिख रहे हैं कि उस जंगल के अंदर में, बक्सवा के जंगल के अंदर में हीरे है, इसलिए वो इतने पेड़ काटो, क्योंकि वो हीरे से हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हमारा पैसा आएगा और ऐसा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इतने सारे ऑक्सीजन का नाश होगा, इतनी हरियाली नाश होगा, ये नहीं दिखता। तो हमारे जो लोगों का जो दृष्टिकोण है वो गलत तरीके से क्यों जा रहा है? वो गलत तरीके से इसलिए जा रहा है क्योंकि ब्रेन के अंदर में जो ब्लू प्रिंट है वो गलत तैयार हुआ। जन्म से ही जिन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया और श्रेष्ठ बोला, उन्होंने श्रेष्ठता बनने के प्रयास को ही खत्म कर दिया। वो श्रेष्ठ नहीं बने, वो शब्दों में श्रेष्ठ बने, और श्रेष्ठ बनने के लिए उनको कुछ मूर्खों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मूर्ख पैदा करने के लिए अवैज्ञानिक रूप का उन्होंने सहारा लिया। उन्होंने जाति व्यवस्था का सहारा लिया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का सहारा लिया, उन्होंने छुआछूत का सहारा लिया, लेकिन उसमें से ही कुछ लोगों को वो बात समझ में आई, उन्होंने उसका विरोध किया, उसमें से ही कुछ लोग, लेकिन जो कुछ की संख्या जब कम थी, परसेंटेज कम थी, तो उसी श्रेष्ठ बनाने वाले मानने वाले लोगों ने उन्हीं को या तो उनको पागल घोषित किया या उनको अवैज्ञानिक घोषित किया, उनको नकारा घोषित किया, उनका बायकॉट कर दिया। तो जहाँ पर जिस समूह की ज़्यादा संख्या हो जाती उसका वहाँ पे ज़्यादा प्रभुत्व हो जाता, और उसका ज़्यादा प्रभुत्व होने से व्यक्ति समझता कि ये चीज़ सत्य है। तो तथागत कहते हैं कि अगर एक भीड़ असत्य के मार्ग में जा रही है तो उस भीड़ का अनुसरण मत करो। तुम अकेले जो जंगल में हाथी अकेला चलता है वैसे अकेले चलो, लेकिन अपना अच्छाई का मार्ग मत छोड़ो, क्योंकि भीड़ के साथ में जाके भी अगर तुम दलदल में घुसने वाले हो, गलत मार्ग पे जाने, तो भीड़ में जाने से क्या मतलब है? इसलिए सत्य के रास्ते में आपके साथ कितने लोग ही इम्पोर्टेंट नहीं है। सत्य के रास्ते में हो सकता है आप अकेले हो, 5 लोग हो, 50 लोग हो, लाख हो, लेकिन सत्य के मार्ग पे जाते वक्त जब आप अपने आप को देखते हो तो आप अपने उद्धारकर्ता बनते हो, क्योंकि आपका जीवन आपका है। आप गलत रास्ते पे जाके आर्टिफिशियल चीज़ों के अंदर में उलझ के, उन पदों में उलझ के अगर पा भी लिया, लेकिन उसको पाने के साथ आपने अपनी मानसिक शांति खो दी, आपने अपने जीवन नष्ट कर दिया, आपने जीवन में आने का उद्देश्य खत्म कर दिया, और आप सतपथ पे जाने के बाद आप कुपथ पे चले गए, और आपने देखा अंत में कि अरे आपने तो गलत जीवन जिया, तो आपको बड़ा दुख होगा। आप शरीर छोड़ते वक्त आपको बड़ा अपने ऊपर कष्ट होगा कि मैंने तो वो पाया नहीं जो मैं पाने के लिए इस धरती पे आया था। इसलिए मार्ग और अमार्ग में भेद करके मार्ग के अंदर आना जरूरी है। इसलिए सुसंगति, अच्छे लोगों का संगठन, अच्छे लोगों का एक नेचर को समझ के अच्छाई के ऊपर आने की जरूरत है। इसलिए जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ बोलने के बजाय श्रेष्ठ बनने के लिए काम करना चाहिए, बोलने के बजाय बनने के लिए। बनना कैसा है? श्रेष्ठ आदमी कर्म से बनता है, जन्म से नहीं। जातियाँ जानवरों में होती, इंसानों में नहीं है ना। वर्ण कोई व्यवस्था नहीं, ये कर्म है। कर्म के रूप में कोई बनिया हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई पुजारी हो सकता है, कोई अन्य हो सकता है, लेकिन
जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए जन्म आधारित जिन्होंने वर्ण व्यवस्था घोषित की है वो वर्ण व्यवस्था को भारतीय संविधान ने नकार दिया है। क्योंकि नकारने का कारण ये था कि वैज्ञानिक रूप से शोध किया है, उन्होंने मनुस्मृति के सिद्धांत को पूरी तरीके से नहीं माना, और न मानने के कारण कुछ लोग जो मनुस्मृति के पोषक लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनको धन संपत्ति ऐसे ही मिल जाए, हड़पने से मिल जाए, उनका पद बना रहे, तो जो चोर लोग हैं, चोर टाइप के जो लोग हैं, उन चोर लोगों को, उन दुर्बुद्धि लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जीवन निर्माण करने की ज़रूरत है, आपको विश्वव्यापी दृष्टिकोण निर्माण, और इस दृष्टिकोण को निर्माण करते हुए आप एक ब्रह्मांड के जैसे व्यक्ति बन जाओगे। वहाँ तो कुपमंडू थे, क्योंकि वहाँ पे आपका कंपटीशन है, वहाँ आप नहीं चाहते कि आपके आगे कोई चला जाए, आपको नहीं लगता, क्योंकि आप कुपमंडू हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मांड ये ऊर्जा के साथ संलग्नता आपकी हो जाएगी, तो आपको लगेगा ये आदमी भी आगे जाना चाहिए, वो भी आगे जाना चाहिए, इसका भी अच्छा होना चाहिए, फिर लोगों के भलाई के अंदर आपको आनंद आना चालू होता है, लोगों के बुराई के अंदर नहीं, दुखी है उसका दुख कैसे दूर, जो दुर्बुद्धि है उसकी दुर्बुद्धि दूर होकर बुद्धिमान कैसा बने, वो सही रास्ते, ऐसा आपको लगेगा। आपको किसी क्रोधी आदमी पर दया आएगी, और आपको एक शांति का, एक आनंद का जो वातावरण मिलेगा, वो बहुत बड़ा वातावरण मिलेगा। तो महत्वपूर्ण है कि अपने बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करें, अपने आदर्श को चुने, अपने आदर्श बहुत अच्छे होने चाहिए, आदर्श हर किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं, आपने अपने आप ब्लूप्रिंट तैयार किया, और आप चाहते हैं कि आपको क्या लाइफ में बनना है, तो वैसे आदर्श को चुनाव करें। अब आपको कोई महान कंपनी बनानी है, तो सपोज मान के चलिए, तो आप अपने आदर्श को चुन सकते हैं, महान दानी बनना है तो आदर्श को चुन सकते हैं, टाटा, रतन टाटा को चुन सकते हैं, महान दानी व्यक्ति के रूप में आज के दिन, महान कंपनी के रूप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां महान काम कर रही हैं, उनकी स्टडी करके आप एक अच्छा महान स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। आप आदर्श राजनेता बनना चाहते तो एक आदर्श राजनेता का चुनाव कर सकते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते, जो भी आप ब्लूप्रिंट अपना बनाते हैं उसके अनुसार आप कार्य, आदर्श लेखक बनना चाहते हैं तो उस लेखक को की स्टडी करिए, वो क्या आप देना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि केवल बिक्री के लिए बुक लिखी, पैसा कमाने के लिए नहीं, आपको लोगों के जीवन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन के लिए काम भी करना होगा। इसलिए एक ध्यान रखने वाली बात है, एक विशेषज्ञ ज्ञान और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान और विशेषज्ञ ज्ञान के अंदर अगर निबान कैसे प्राप्त करना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो तथागत ने नियम बता दिए हैं, ये अष्टांग मार्ग ऐसे ऐसे जाना है, तो निबान आपको मिलेगा, आप निबान का साक्षात्कार कर सकते हो, शरीर के दुख से मुक्त हो सकते हो, और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, तो वो निबान एरिया के ज्ञाता है, विशेषज्ञ है, अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। अब जिसने निबान का अर्थ ही नहीं समझा, जो अरहंत नहीं है, सो सम्यक संबुद्ध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो सिखा रहा कि भाई मैं आपको मुक्त करवा दूंगा, कैसे भाई, ये शास्त्र लिखे, लिखने वाला आदमी मूढ़ था, उसने कुछ भी लिख दिया, आपने वो शास्त्रों को ग्रहण किया, चाहे आपने फिर यज्ञ किया, जो भी किया, जैसे भी किया आपने, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिली, वो सामान्य ज्ञान है, वो जो आप अपना रहे सामान्य ज्ञान है, विशेषज्ञ ज्ञान नहीं है, समझना। अभी कोरोना की वैक्सीन के बारे में जो वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का डेवलप किया, वो उस पर शोध करके वो बता रहे थे कि इसका रिजल्ट ये वो है, लेकिन एक सामान्य आदमी जो विशेषज्ञ नहीं था, वो न्यूट्रिशन डाइट्रिशन विशेषज्ञ था, न्यूट्रिशन डाइट्रिशन विशेषज्ञ उस पर ज्ञान दे रहा था कि वैक्सीन से ऐसा होगा, वैक्सीन से वैसा, तो वो जो डाइटिशियन विशेषज्ञ है, वो डाइटिशियन के बारे में, खान पान के बारे में विशेषज्ञ, वैक्सीन के बारे में नहीं, वैक्सीन के बारे में केवल ओपिनियन दे सकता है। ओपिनियन और विशेषज्ञ ज्ञान दोनों में अंतर समझना हो, एक मनोचिकित्सक है मनोवैज्ञानिक के बारे में, एक साइंटिस्ट है साइंटिस्ट के बारे में, एक चालक है गाड़ी चलाने के बारे में, और एक ध्यान करने वाला ध्यान के बारे में। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है, सभी आदमी सभी क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध, जब कभी उनके पेट में कुछ बीमारी होती थी या उनके भिक्षु कोई बीमार, तो डॉक्टर जीवक को बुलाते थे, क्योंकि वो डॉक्टर के विशेषज्ञ नहीं थे, मानते हो चीज़ की, हाँ मैं उस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं, मैं जड़ी बिटिया नहीं मालूम, मैंने उस पर शोध नहीं किया, लेकिन जिसने शोध किया उसका सहयोग लेते। तो आपको भी सीखना है कि किस चीज़ के आप विशेषज्ञ है, जिस चीज़ के आप विशेषज्ञ उससे आप माहिर है। आज हम देखते हैं कि लोग पॉलिटिक्स जाते हैं, वो कोई ऑफिसर बन जाते हैं या कुछ भी बन जाते हैं, वो समझते हैं कि सभी चीज़ों का उनको नॉलेज आ गया, तो इसलिए उनका नॉलेज सीमित हो जाता है। ओपिनियन होना, विशेषज्ञ ज्ञान होना है ना, क्योंकि एक व्यक्ति जो बाईपास करता है तो वो जानता है शरीर का
और एक व्यक्ति चमड़ा सिलता है, वो जानता है कि चमड़ा कैसे सिलना है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं कि चमड़ा काटने का काम ये भी और चमड़ा काटने का काम वो भी, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मानसिक रूप में हमको समझना पड़ेगा विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज नॉलेज। हर व्यक्ति हर क्षेत्र का स्पेशलाइज नहीं होता है, कुछ क्षेत्र का स्पेशलाइज होता है। तो अब जिस क्षेत्र का उसको ज्ञान है, वो चाहता है मुझे बढ़ना है, तो वो सोच सकता है कि भाई मैं चमड़ा सिल के शू बना रहा हूँ, तो मैं बाटा जैसी बड़ी कंपनी है, उससे भी बड़ी कंपनी कैसे बना सकता, उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसको उधर जाना चाहिए। अगर वो उधर डेवलप करता है तो बिजनेसमैन बन जाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। तो उसको प्रेरणा की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे फिर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे बड़ा हॉस्पिटल करना है, तो एक संचालित हॉस्पिटल कैसे बनाते हैं उस पर उसको जाना होगा। तो एक निर्माण होगा रोजगार का, एक निर्माण होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको ये समझना होगा कि अपने मैक्सिमम अचीवमेंट के लिए कि आप जो चाहते थे वो कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है, सक्सेस प्लानिंग की ज़रूरत है। वो प्लानिंग आपको करनी होगी और उसके लिए आपको ज़रूरत है एक विश्वास की, होप की। और होप कैसा आएगा, जब आप उन लोगों के संगत में रहेंगे, उन लोगों को बार बार पढ़ेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनको देखेंगे सुनेंगे, तो आपको इंटरनल डेवलपमेंट शुरू हो जाए और आपको विश्वास आ जाएगा कि आप भी ये कर सकते हो। और जब आपको ये लगेगा आप कर सकते हो, तो वैसे आप बन जाओगे। और इस घटनाक्रम में मैं एक बात का उदाहरण देना चाहूँगा। एक लड़की, हमने स्लम एरिया के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था और हमने स्पॉन्सरशिप किया था। एक स्लम एरिया के बच्चे ने बहुत अच्छा डांस किया और डांस करने के बाद में मैंने उसके लिए कहा कि ये लड़की बहुत आगे निकलेगी। लेकिन मैंने कहा कि बेटा तुम अपने डांस के स्किल को केवल मनोरंजन का साधन मत बनने देना, इसको तुम अपना व्यवसाय का साधन बनाना, एक जीविका उपार्जन का साधन बनाना और इसको एक अपना अहम लक्ष्य बनाना। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम आगे निकल जाओगे। उस लड़की ने ऐसा ही किया और मैंने उसको और गाइडेंस किया कि तुम अपने जीवन में और आगे जा सकते हो। अभी उस करीबन 6-7 साल बीत गए, उसका अचीवमेंट ये है कि अभी 2 फिल्मों में काम कर रही है और वो बहुत अच्छा इनकम बनाती है। और करीबन अभी 18-19 साल की उम्र के अंदर में उसका अपना खुद का मकान है और एक अच्छी इसमें वर्क कर रही। तो स्लम एरिया से उठ के वो वहाँ तक गई। तो प्रेरणा कैसा काम करती है, वो काम करती है ब्लूप्रिंट के जरिए से, कि आपने कैसा सामने वाले के दिमाग में ब्लूप्रिंट बना दिया और उसने उस ब्लूप्रिंट को ग्रहण किया या नहीं किया, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। मैं अपने एक मित्र का एक उदाहरण दूंगा कि वो UPSC की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि वो शायद सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमने बताया कि आप कुछ सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करो, ये करो, ऐसा बनने से ऐसा होगा, और उनको बड़ी भूमिका के बारे में बताया क्योंकि वो राजनेता बनना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के बाद आप राजनेता बन सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपका एक्सपोज होगा। अभी वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में सिलेक्टेड है और मुझे पता है कि आने वाले समय में वो एक बड़े राजनेता के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। कैसे निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो कहने का मतलब हम अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। तो घटनाक्रम कैसा निर्धारित होता है, ये कार्यकारण के सिद्धांत से निर्धारित होता है। जो हमको कार्य करना है उसके अनुसार हमको कार्यकारण का एक सिद्धांत काम करता है, कार्य कारण। तो जो भी परिणाम आता है उसका एक कारण बनता है। तो अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो आपको अच्छे कारणों को भी वर्क करना पड़ेगा। अगर आप चाहते कि आप सक्सेस हो तो सक्सेस के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। केवल चाहने से नहीं होगा, उसके ऊपर कर्म भी करने पड़ेंगे और बेसिक कर्म करने पड़ेंगे। अगर आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो रही है तो आपके वर्किंग सिस्टम को आपको पता करना पड़ेगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो और आपने पढ़ाई भी की लेकिन आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, साइट में जाके खड़ा होना पड़ेगा, बीम कैसे बनती है, रोड कैसे बनती है, नाली कैसे बनती है, सीवेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, सारी चीज़ देखना पड़ेगा, तो आप एक अच्छे भवन निर्माता बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने डॉक्टर की, MBBS की, MD की, जो है सर्जरी का आपने नॉलेज लिया, लेकिन अगर आपको मास्टर होना है तो वो विशेषज्ञ डॉक्टर के सलाह के अनुसार उनके साथ काम करना पड़ेगा, वो जो सिखाएंगे उसके अनुसार सीखते सीखते आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, और अभी तो वैज्ञानिक और भी शोध कर रहे हैं, वो है कि हमारे जो अनुभव है वो अनुभव को दूसरे के ब्रेन के अनुभव को लेके हमारे ब्रेन के अंदर में ट्रांसप्लांट करने का भी वो चल रहा है। तो आने वाले समय में ये भी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि आपको एक बाकायदा चिप के रूप में वो चीज़ दी जाएगी और आपके ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग डाल दी जाएगी और उस प्रोग्रामिंग के जरिए आप ये देख पाएंगे कि आप क्या कर सकते हो फटाफट। तो आपका लर्निंग सिस्टम बहुत
तेज हो जाएगा और ये आने वाले समय में ये चीज़ें हो भी सकती हैं, और उसके लिए एलन मस्क जैसे लोग लगे हुए हैं कि आने वाले समय में क्या ऐसा भी हो सकता है। तो होप कि ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने ज्ञानी लोग हुए और जितने ज़्यादा ज्ञानी भी ज्ञानियों में भी भ्रष्ट लोग जो हुए, भ्रष्ट लोगों ने सोचा कि हमको जनता पे शासन करना है, तो हमने अभी देखा कि लोगों का मन मस्तिष्क कैसे डेवलप नहीं होने देना है। तो चुनाव आता है तो लोग क्या करते हैं, सीधे शराब बांटना शुरू कर देते कि लोग भूल जाए सारी चीज़ों को और शराब पी के हमको वोट दे दे। कुछ लोग धार्मिक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि दंगाई योग वाला वातावरण तैयार करके लोग भूल जाए सारी चीज़ों को और उनको लगे कि बस वो धर्म के महापंडित हो गए और वो दंगा करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको अभी जागृत समाज निर्माण करना पड़ेगा, होश वाला समाज निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये लोकतंत्र को अगर टिकाना है, और कुछ जो अज्ञानी लोग हैं उनको इस लोकतंत्र का बॉस नहीं बनने देना है और लोकतंत्र को लोकतंत्र जैसा चलाना है, तो हमको लोगों के एक्चुअल प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, खुद का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब हम खुद अच्छे बनेंगे तब हम लोगों को अच्छा बना सकेंगे, अगर हम अच्छे नहीं हैं हम लोगों को क्या करेंगे। आजकल हम सामाजिक प्रचार के रूप में हम एक देखते हैं कि लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं स्पीच के माध्यम से, तो क्या उससे हम सुधार कर पाएंगे? नहीं। एक दूसरे पर दोषारोपण दे रहे हैं तो वो एक सामान्य सी घटना है, दोषारोपण देना एक, लेकिन प्रशिक्षित करना एक बड़ा काम है। सही और गलत का पता करना, एविडेंस के साथ बात करना, तथ्यात्मक रूप से बात करना और डेवलपमेंट की बात करना, प्रोग्रेस पर प्लानिंग देना और न्याय संगत बात करना, और नहीं हो सकता कि जगह हो सकता है बताना। जैसे कांशीराम साहब थे कि वो तब लोग बोलते थे नहीं 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 राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बोला हो सकता है, कांशीराम साहब ने बोला हो सकता है। जहाँ मराठवाड़ा नाम देने के लिए कई लोग कई साल तक बाबा साहब का मराठवाड़ा का नाम देने के लिए कई साल तक आंदोलन कर रहे थे, वही कांशीराम साहब ने वो काम 6 महीने में करवा दिया था। कई विश्वविद्यालय बना डाले और कई नाम दे दिए, जिलों के नाम दे दिए। तो ये प्लानिंग का एक तरीका हो सकता है कि हो सकता है। तो आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम शासनकर्ता नहीं बन सकते, जमात नहीं बन सकते, मतलब नहीं बन सकते। लेकिन आप ये लिखिए कि हम कैसे बन सकते हैं, संगठनात्मक रूप से कैसे इकट्ठा आ सकते हैं, और हम अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने के बजाय एक उद्देश्य के लिए कैसे हम साथ में आ सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम वो भी बन सकते हैं, हमको एक दूसरे का सहयोगात्मक बनना पड़ेगा। तो हमको अपने होप को भी डेवलप करना पड़ेगा, विश्वास को डेवलप करना पड़ेगा, और एक्शन को दुरुस्त करना होगा। जब हम अपने एक्शन को दुरुस्त कर लेंगे तो हमारे पास जो बहुमूल्य संपत्ति है वो हमारा शरीर, और हमारे शरीर के अंदर में जो हमारा माइंड है उसको हमको डेवलप करना होगा। वो माइंड हमारी बहुमूल्य संपत्ति है, उस बहुमूल्य संपत्ति को शाश्वत नियम, जो धरती के शाश्वत नियम है, नेचुरल के शाश्वत नियम, उस नियमों के साथ जोड़ना होगा, उसको समझना होगा, लॉ ऑफ नेचर को समझना होगा और लॉ ऑफ नेचर को समझ के काम करना होगा। क्योंकि यही तो कार्य कारण का सिद्धांत, यही तो सिद्धांत, ये तो धम्म है कि आप ब्रह्मांड के वर्क करने के सिद्धांत को समझ जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए वर्क करना चालू कर देगा, और आप जो भी अचीवमेंट आप जीवन में चाहते हैं, जो भी अचीवमेंट चाहते हो आप प्राप्त कर लेंगे, बस वो अच्छा हो। इसलिए तथागत ने अपने मार्ग को सम्यक मार्ग कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग का, आर्य ने श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग, बहुत अच्छा मार्ग का, सम्यक यानी राइट मार्ग का। तो हमको राइट भूमिका अदा करके काम करना होगा और काम करके आगे बढ़ना होगा। इसलिए हमको ओपन माइंडेड फिलासफी के अंदर में काम करना, हमका दिमाग ओपन करना होगा कुछ नया सीखने के लिए, जो हमको नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात, जो हमको ज्ञात है ज्ञात है, जो हमने सीखा वो सीखा है, और वो भी सही तरीके से सीखा कि नहीं सीखा ये भी जांच करना होगा। क्योंकि हमने अगर कोई चीज़ को गलत तरीके से सीखा तो उसके रिजल्ट भी गलत आएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि हम बचपन में जब हमको प्रोग्रामिंग की जाती है वो प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी डिपेंड करती है हमारे भविष्य के लिए। मैं हस्तरेखा का विशेषज्ञ पर विश्वास तो नहीं करता हूँ आज के डेट में, लेकिन बचपन में करता था और लंबे समय तक करता था। तो एक ने मेरा हस्तरेखा देखा, बोला कि इसके जीवन में धन तो बहुत आएगा लेकिन रहेगा नहीं। अब मैं पैसा कमाता था उड़ा देता था, पैसा कमाता था उड़ा देता। मैं ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था उस हस्तरेखा पर। बाद में मैंने बेसिक पता किया कि हस्तरेखा कहाँ से निर्माण हुई, तो पता चला पौराणिक कथाओं से आई है। मैंने कहा पौराणिक कथाओं का तो अपना कोई बेस नहीं है। तो फिर मैंने कार्यकारण के सिद्धांत पर बात किया, तो कार्यकारण का सिद्धांत क्या काम करता है? जिस चीज़ पे आप विश्वास करते हो, जैसा आप मानते हो, जैसा आप पिक्चराइज करता करते हो, वैसा एक्शन करते हो, वैसी चीज़ें घटती है। तो जब हमने माना कि हस्तरेखा भविष्य एक केवल काल्पनिक भविष्य है,
इससे कोई मतलब नहीं, और जो कुछ है हमारा माइंड है, तो हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि सोचने का तरीका बदलने लग गया और आज हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और एसेट संपत्ति उसके पीछे खड़ी हो जाती है। आज हमको ये लगता है कि हम अपनी एसेट को सही जगह उपयोग करें, उसको संरक्षित करें, सही जगह रखें। लेकिन जिन लोगों का दृष्टिकोण आज भी मनुस्मृति से ग्रसित है, वो सोचते हैं कि बैंक को हम कैसे लूटें, क्योंकि मनुस्मृति का पूरा ग्रंथ लूट पर आधारित है, छीना झपटी पर आधारित है कि ये जन्म से श्रेष्ठ है तो इसको सब दान दे दो, संपत्ति रखने का इसको अधिकार ही नहीं, जिसके पास है तो उसको भी दे दो, तो संपत्ति छीनने का अधिकार। तो जो छीनने वाली जो प्रक्रिया है, चोरी की जो प्रक्रिया है, इन ग्रंथों ने बताई है। और ये ग्रंथ जो निर्माण करने वाले जो लोग थे वो एक बुद्धिवादी नहीं थे, एक भ्रष्ट लोग थे, और इन्होंने गलत नियमों की व्याख्या करके ये की है। और उसकी पांडुलिपि मेरे पास में है, करीबन 100 साल पुरानी, मतलब 50-60-70 साल पुराना, उसमें अंदर सारी चीज़ें दी है। तो उसका जो बेसिक मानसिक स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें वो चीज़ें है। तो वो अन्याय, अत्याचार और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी है लोगों ने, वो धार्मिक रूप से सीखी है। लेकिन गलत चीज़ सीखेंगे तो रिजल्ट गलत आएंगे। तो इसलिए शास्त्रों को ईश्वरीकृत मानना ही सबसे बड़ा गुनाह है। शास्त्र किसी इंसान ने लिखे, और इंसान किसी इंसान ने लिखे, जिसकी जैसी सोचती वैसा उसने लिखा। तो कुछ लोगों ने अपने विशेष वर्ग को संरक्षित करने के लिए शास्त्र लिखा, उसको धर्म का नाम दे दिया, और बाकी लोगों को ये बोला कि तुम इसको फॉलो करो। क्योंकि वो लोग जो फॉलो करने वाले लोग थे, जब वो फॉलो करेंगे तब उनके लिए ऑटोमेटिक वो एसेट बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तंत्र है कि सामने वाले के लिए गुलाम लोगों का पैदाइशी करने के लिए भी शास्त्र तैयार किए गए, उसको धर्म का नाम दिया गया, और विशेष धर्म का नाम दे दे के उसको प्रचारित किया गया। तो ये हमको ढूंढना होगा कि सही और गलत शास्त्र क्या है, क्योंकि गलत चीज़ को अपनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। ये चीज़ हमको समझना है। इसलिए आज के डेट में हमारे पास जो सबसे बड़ा काम है वो है भारतीय संविधान को समझना। संविधान एक बहुत अच्छा है, उसमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। सारी चीज़ को समझना जरूरी है। फिर मौलिक अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी बात की है, फिर शासन तंत्र चलाने की बात की है। अगर भारत के संविधान के अनुसार भारत की न्यायपालिका, भारत का राजनीतिक दल और ये सारा सिस्टम काम करने लगे तो देश की उन्नति होना शुरू हो जाएगी। और इसलिए हमको संविधान का जानकार बनने की ज़रूरत है। सब लोग अपने घर में संविधान रखें, बाबा साहब का बुद्धा गणेश धम्मा रखें, और अच्छे अच्छे जो ज्ञानी लोग हैं उनको पढ़े, उनको स्टडी करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। और पुराना जो हमारा जो दृष्टिकोण था, जो नकारा दृष्टिकोण था, अंधविश्वास का दृष्टिकोण था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भूत प्रेत, ये वो झगड़ा लगाने वाला, अशांति फैलाने, उस दृष्टिकोण को हमको हटा के एक अच्छा दृष्टिकोण कि हम चारों तरफ हरियाली वाले वृक्ष लगाएं, पानी को शुद्ध करें, विचारधारा अच्छी रखें, सब लोग गौहत्या को बंद करें, पशु हत्या बंद करें, और धन संपत्ति को अच्छे से संचालित करें, अच्छे प्रोजेक्ट लाए, अच्छा डेवलपमेंट करें, सत्ता शासन पेट्रोल डीजल के रेट कम करें क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है, और आय का साधन है लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ा के उनको स्किल बेस बना के करें, उनके लिए अच्छा स्किल का डेवलपमेंट करें, क्योंकि सरकार एक बड़ा बजट देना चाहिए स्कूल सिस्टम के लिए, कॉलेज सिस्टम के लिए, लाइब्रेरी के लिए, और नए नए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि लोगों की इनकम बढ़े, लोग नए नए उद्योग सीखे, नए नए रोजगार सीखे और भारत के GDP को बढ़ाए। केवल पेट्रोल से उनका पेट्रोल जबरदस्ती के पेट्रोल से ही हमको और डीजल से ही केवल इनकम लेनी है, ऐसा दृष्टिकोण बंद करें। क्योंकि ये दृष्टिकोण अपनाना कहीं ना कहीं अपने आप को उस दृष्टिकोण पे लाके खड़ा करना कि बस हम तो यश आराम करेंगे, बाकी पैसा आ रहा हम यश करेंगे, तो वो दृष्टिकोण राजनेताओं को, नीति निर्देशक तत्व बनाने वाले लोगों को, नियम बनाने वाले लोगों को संविधान सम्मत काम करना होगा। और एक स्तरीय जो टैक्स प्रणाली एक जैसी बनाने की ज़रूरत है। पेट्रोल डीजल को भी GST के अंदर लाओ, जरूरी है, डिमांड करना चाहिए। और आर्थिक उन्नति के लिए क्या अच्छा हो सकता है, देश की उन्नति के लिए क्या, सब लोग मिलके सोचे और सब लोग मिलके सोचे, एक ऐसा वातावरण निर्माण करें जिसमें सब लोग सुखी हो, संपन्न हो, भवतु सब मंगलम वाली जो भावना है वो भावना अपना के सब लोग प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और इसी के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।